पॉज टू हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत आज के एपिसोड में सरस्वती जी की कोलंबो की यात्रा के बारे में और कुछ विषयों को बताऊंगी मेरे कोलंबो जाने से पहले दो महीने तक गोरा जी खाने के लिए बहुत तकलीफ उठाते थे वहाँ पर हर होटल में मांसाहारी भोजन ही मिलता था श्रीलंका में बौद्धों की संख्या अधिक थी उनके चाहे कितनी भी अहिंसा की सीख देने के बावजूद भी वहाँ के लोग मुर्गी बकरी के मांस के साथ साथ सुबर का मांस और भेड़ का मांस भी खाते थे मछली तो उनके लिए अनिवार्य था यहाँ शाकाहारी भोजन मिलना नामुमकिन था पूरे कोलंबो में उन दिनों में मद्रास के अयंगार का एकमात्र होटल हुआ करता था फिर उसमें ही शाकाहारी भोजन और सुबह का नाश्ता मिलता था लेकिन हर दिन तीन वक्त के खाने के लिए इतनी दूर जाना गोरा जी के लिए बहुत मुश्किल होता था इसलिए कभी कभार नहीं खाना भी छोड़ देते थे मेरे आने के बाद गोरा जी के खाने की समस्या दूर हो गई श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है रेल में या कार में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए एक दिन से ज्यादा नहीं लगता इसलिए गोरा जी हर शनिवार और रविवार को बाहर जाकर कोई ना कोई प्रदेश देकर आते थे क्योंकि मैं भी तो साथ में नहीं थी इस तरह मेरे आने तक गोरा जी ने लगभग पूरा श्रीलंका देख चुके थे पहले हमने जिस घर को किराए पर लिया था वहां पर हम दो महीने से ज्यादा नहीं रहे हमारे अलावा उस घर में कई अलग परिवार भी थे और वे सभी भारतीय थे हम वहाँ पर नए आए थे और आयु में भी सबसे छोटे थे वफादारी से रहते थे इसलिए बाकी किराएदार धोखा देकर हमसे पूरे घर का भरवाने का प्रयास किया मुसलमान मकान मालिक बहुत अच्छा आदमी थी उनको हम जिस घर में रहते थे उसके अलावा कोलंबो में कई और घर थे इसलिए उनको हमारे रहने की बात बताते ही उन्होंने उसी दिन हमें अपने किस दूसरे घर में किराए पर भेज दिया जो हमें धोखा देना चाहते थे वे सब आश्चर्यचिकित हो गए हमारे पहले का किराए का घर काले से बहुत दूर था पर अब नया घर काले से बहुत नजदीक है हम जो पहले के घर में रहते थे हमारे लिए कोई खास दोस्त नहीं थे पर इस नए घर में आने के बाद आसपास के कई परिवारों के साथ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई हमारे पहले दोस्ती हुई डॉक्टर अश्रप्पा जी से वे श्रीलंका के होने के बावजूद भी मद्रास की स्त्री से उन्होंने विवाह किया था भारत के प्रति या भारतीयों के प्रति विशेष प्रेम स्नेह की भावना रखते थे वे श्रीलंका के हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अफसर थे भी वे एकदम सादा सीधा और निगरवी थे उन्हें यहाँ कई भारतीयों का आना जाना हुआ करता था अशरप्पा जी के परिचय से हमें भी कई भारतीय परिवारों से परिचय प्राप्त हुआ भी उनके घर होने वाले स्नेह मिलन में हम भी जाया करते थे यहाँ आने वालों में सिर्फ हम ही तेलुगु भाषी थे ज्यादातर तमिल मलयालम कन्नड़ा भाषी थे कुछ लोग उत्तर भारतवासी भी थे हमें तेलुगु भाषी लोगों का परिचय न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी तेलुगु भाषी साधारण अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाते अभी अभी लगभग 20-25 सालों से दूसरे प्रांतों में तक या दूसरे देशों तक जाने लगे हैं साधन तथा तेलुगु भाषी दूर प्रांतों या दूसरे प्रदेशों तक नहीं जाते थे गोरा जी नौकरी के लिए मधुरा कोयम्बतर जाने की बात सुनकर सबने यही सवाल किया कि इतनी दूर क्यों जा रहे हैं अपने घर रहकर कर रुखा सुख खाकर का गुजारा जा सकता है इतना दूर वह भी कोलंबो दूसरे देश से जाने की क्या जरूरत है कोलंबो की नौकरी हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई हमारा मकान मालिक मुसलमान था और दोस्त ईसाई धर्म के गोरा जी नौकरी करते थे बहुत धूम के कॉलेज में श्रीलंका मुख्यतः बौद्ध देश है श्रीलंका के उत्तरी भाग में अर्थात जाफना प्रांत में मात्र तमिल भाषा बोली जाती थी या हिंदू और शिव के भक्त थे कोलंबो प्रदेश में बौद्ध ईसाई मुसलमान संस्कृतियों को देखने को मिलता है हिंदू आचार व्यवहारों और संप्रदायों में बड़े होने के नाते कोलंबो का जीवन सामाजिक मिल को परखने के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे धन्यवाद download samaram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels for more videos please subscribe to this channel positive atheism and activate the bell icon